मुकेश खन्ना ने कपिल शर्मा पर किया एक बार फिर पलटवार, जानिए क्या है मामला और क्या कहा मुकेश खन्ना ने। नमस्कार दोस्तों, आपका जी न्यूज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल का मेंबरशिप लेकर आप बंपर इनाम भी जीत सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। हमारा खबर निकल के आ रहा है बॉलीवुड से, मुकेश खन्ना और कपिल शर्मा के बीच वार छिड़ गया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा और शक्तिमान मुकेश खन्ना के बीच वार थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में मुकेश खन्ना ने एक बार फिर से कपिल शर्मा को निशाना साधते हुए पलटवार किया। उनका कहना है कि मुद्दा यह नहीं है कि आप लोगों को कितना हंसाते हो, मुद्दा लोगों को हंसाने के तरीके को अपनाने का है। इसके साथ मुकेश खन्ना ने कपिल शर्मा से सवाल पूछा कि मैंने कब कहा था कि आप लोगों को ना हंसाएं। वही मुकेश खन्ना अपना पक्ष रखते हुए लोगों को आगे कहते हैं कि मुद्दा ये नहीं कि आप लोगों को हंसाते, मुद्दा आपके द्वारा अपनाए गए तरीके का है जिसे इस्तेमाल करके आप लोगों को हंसाते हैं। मैंने कब कहा था कि लोगों को मत हंसाइए, लोगों को चेहरे पर मुस्कान लाने से ज्यादा अच्छी चीज दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने की एक शालीनता होनी चाहिए जो कपिल शर्मा के शो में नहीं है, फुहरपा और अश्लीलता है। इस शो के लंबे समय से देख रहा हूँ, मालूम है कि कपिल शर्मा के शो में मुकेश खन्ना ने चीप और अश्लील जो बातें, गंदी बातें होती हैं उसके बारे में फटकार लगाई थी कि आप शो बनाते हैं गंदी गंदी बातें और गलत और बातें करके लोगों को हंसाते हैं, वो एकदम गलत है। जिसके बाद कपिल शर्मा ने कहा था कि मैं और मेरी पूरी टीम लोगों को हंसाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मैं अपने काम पर फोकस करना चाहता हूँ और आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा। इससे पहले कपिल शर्मा ने मुकेश खन्ना पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक वक्त जब पूरी दुनिया मुश्किल समय में जूझ रही थी तो ऐसे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह तो सामने वाले पर निर्भर करता है कि आपको किस बात में खुशी खोजनी है और किस बात पर कमी। मैं अपनी खुशी और काम पर फोकस करना चाहता हूँ, भविष्य में भी ऐसा ही करता रहूंगा। आपको क्या लगता है कि मुकेश खन्ना जो महाभारत कर चुके हैं, भीष्म पितामह का रोल कर चुके हैं, शक्तिमान कर चुके हैं, वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कपिल शर्मा अपने शो में ऐसे सुधार करना चाहिए और जो ऐसी बातें हैं वो लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए, तो अपना कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।